किया संस्थान के माध्यम से नाम नहीं बताया, उसके बाद में सरकार ने लिया और उसको बनाया। ये देवांगना घाटी है, ये देवांगना घाटी में एरो स्पोर्ट्स के लिए हम लोग प्लान किए थे कि यहाँ पर इस घाटी में हम लोग एरो स्पोर्ट्स के एक्टिविटी कर सकते हैं। और दूसरा जो अपना वो डैम है बड़ुआ है, वो वाटर स्पोर्ट्स का बन कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन तक टूरिस्ट यहाँ रह सके। तो एक भी मैडम बना रही हूँ और ये मुख्यमंत्री जी के पिताजी के साथ ही हैं मुख्यमंत्री जी, और मुख्यमंत्री जी तो हमेशा उनके साथ उनके संबंध अच्छे हैं, तो इसलिए वो करेंगे और हम लोग उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं काम करने के लिए। दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट के विकास के लिए, धार्मिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक जो भी विकास के लिए जिसको भी आवश्यकता है, तो जैसे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार का हम लोग सहयोग लेते हैं, वैसे ही जैसे पहले अपन व्यापार को उद्योग समूहों का सहयोग लेते रहे उनका सहयोग लेंगे, और इसीलिए उनका जो स्वागत कर रहे हैं उनको अभिनंदन कर रहे हैं, कार्य बता रहे हैं। स्पोर्ट्स टाइप में, वाटर स्पोर्ट्स टाइप में है, बहुत पोटेंशियल है जी। सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स तो एक बात है, लेकिन यहाँ पे टूरिज्म का बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है और उसी पोटेंशियल को मैं एनहांस करूँगी। दैट्स माय मिशन। थैंक यू, थैंक यू। बची नहीं, बेचूर उनकी ब्रीड थी, गाँव था बेचूर, फिर हमें भेजे वो, हम लोग 7 साल लगातार कोशिश की, तब जाके हम लोगों को 2 गाय पिछड़ा मिला। अब ये है कि उनकी स्टेट भी अब प्रिजर्व कर रही है। आप लोग लाल वाले जो टी शर्ट है वो किना और
गुजराती माँ का बटुआ देते हैं गाँव गाँव। महाराष्ट्र में इसको आदि माई का बटुआ बोलते हैं। नाना जी ने इसको 34-35 दवाइयाँ हैं जिस पर काफ़ी रिसर्च हुई, फिर फाइनली जाके ये शेप बन पाया। और ये गांव गांव में रहता है, और गांव का कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है जो टीचर है या कोई रिटायर्ड है, उसको ट्रेन करते हैं हम, और वो फिर गांव में मेडिसिन देता है 2 रुपये पर डे के हिसाब से। दवाइयाँ तो ज़्यादा फ्री नहीं देते, नहीं वेस्ट होती है तो ये वो यूज करते हैं, और इसे ढंग से उसको जितने कॉमन एलिमेंट्स गाँव में हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने पहले सर्वे किया, फिर एज पर नीड जो है ये डिज़ाइन किया। और इसमें इस तरह की जो चीज़ें हैं दोबारा इस बदले में नहीं रखना, बिकॉज दीज आर अवेलेबल इन द प्लेस लोकली अवेलेबल है, तो हाउ टू यूज दिस प्लांट्स पर्टिकुलरली फॉर तो ये दिस इज सस्टेनेबल हेल्थ प्रोग्राम फॉर द विलेजर्स। और ये जितने चीज़ें हैं, कितना भी थकान होगा, जैसे आदमी स्विमिंग करके वापस आया खूब थकान उसको लग रही है, ये लेने से एकदम एनर्जी आती है। That's it. So after they had their therapies in the spa, you know, they get very tired and relaxed. And then you just have this. जिसको शरीर में थकान है जी। और मतलब जिसको आप थेरेपी कह सकते हैं वो ये आप जबरदस्त यूज कर सकते हैं। पर इसमें इसमें दो चीज ध्यान रखना पड़ती है, एक तो उसको कोई एलर्जी ना हो, अगर उसको एलर्जी होगा तो नहीं चलेगा। साथ में होता है जो अटेंडेंट होता है, तो एक यहाँ पर अटेंडेंट के रूम बनाया हुआ और हम लोग ये भी सोच सकते हैं basics are all there. I don't think there's going to be much more. We just give it to the art, just a little aesthetic touch. Simple lighting is fine, not the ceiling, air conditioning. Yeah, yeah. So just a little touch. ये तो 4 रेडियो है, बाकी 4 बना रहे हैं अभी, उसमें थोड़ा एरिया हम बढ़ा सकते हैं इसको, याद तो ये लिविंग रूम काफी बड़ा है जी। तो इसने किसी ने सजेस्ट किया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर किया। आप अगर हमारे को इसका बेसिक अगर एक लेआउट दे दें, सभी दे देंगे आपका ही सब है, तो अगर उसमें हम इसको खुद ही पूरी कर लेंगे। सी द थिंग इज द लिविंग रूम इज रॉट पे अभी जो आपने जो बाकी बनाने हैं क्या उसका मटेरियल सारा प्रोक्योर कर लिया? मटेरियल मैक्सिमम है अपने पास में, जो क्या है होएगा डिफिकल्ट टू गो डाउन। आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डूइंग एन आरती हियर एवरी इवनिंग। कर सकते हो पंचवटी में, हम लोग आरती करते हैं अपने खजुराहो में शाम को, पंचवटी के पास हम लोगों ने बनाया जगह नहीं, बट अगर इसी एरिया में हम इसी को स्टेप डाउन करके यहां पे ये पूरे एरिया के जो कॉटेज हैं बैठने के लिए अच्छा बना सकते हैं दो लेवल पे, डू अ डेक एंड देन डू अ स्टेप डाउन फॉर अ घाट टू डू अ आरती इन दी व्यू। ये धीरे-धीरे हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, फिर आप आके निकल गए तो हम ऊपर ऑफिस में बैठे थे। इसमें सिंगल ड्रग कंपाउंड ड्रग स्ट्रेट, सो यू कैन सी द शेल्फ बच्चों को घुटी दे रहे बनाते दादी माँ से, ये पूरे हिंदुस्तान में अपने सब जगह क्योंकि ऐसे कहीं डॉक्यूमेंटेशन की कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है और कोई उसका पैटर्न नहीं। तो हम लोगों ने ऐसे जो अपने इलाके के जो ट्रेडिशनल ड्रग्स जो को यूज कर रहे हैं और लंबे समय से यूज कर रहे हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, उनकी एप्लीकेशन चेक
निकलता है, और अगर सेंट्रलाइज हो सके तो पेटेंट नहीं होगा, तो गवर्नमेंट के घर में होगा, हिंदुस्तान के घर में होगा। तो ये ड्रग ऐसा है कि जो रजिस्ट्री यूज हो रहा था 200-500 हज़ार साल से, ये हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, इसको हमें उपयोग So we should go for checking all these heavy metals things. This is Multipro for genetic engineering. This is HPLC for quantitative estimation of active ingredients. और इसको आसपास के जितने कॉलेजेज हैं उनके बच्चों को विजिट भी कराते हैं, उसका ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको कैसे लेक्चर भी देते हैं, और यहाँ फार्मर्स भी देते हैं। आपका पूरा जीन पूल है ना सर? यस। चीन की ओपेरा प्रस्तुति वर्तमान समय में सिंगापुर में ज्यादा प्रचलन है। राम लक्ष्मण विद्याधन के लिए गुरुकुल में गए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में। यह शिक्षा ऊंचे तत्व तो प्राप्त करने के लिए या आजीविका की क्षमता अर्जित करने गुरुकुल में श्री राम। लगभग 1 करोड़ यात्री प्रति वर्ष आते हैं। सेल्फ रिलायंस की हम लोग बात करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी पॉलिसी है उन गांवों में ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। गरीबी नहीं, कोई बेरोजगार नहीं, कोई अशिक्षित नहीं, कोई अस्वस्थ नहीं, गांव में कोई डिस्प्यूट्स नहीं होना चाहिए। पब्लिक जब बढ़ती है तो वो भी इधर आ सकती है, और थोड़ा मंच को भी आगे कर रहे हैं 20-25 फीट थोड़ा सा, तो फिर ये होता है। और इधर एक बढ़िया फॉल चलता है, ये रामनाथ जी के नाना जी मूर्ति बनाए थे, रामनाथ गोयनका जी का, और बाकी चित्रकूट के सारे इसमें तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, अत्री, अनुसुईया, इनकी सबकी मूर्ति है।
किनारे जी का ऐसा कहना था कि जो भी चित्रकूट आए तो उनको सबका दर्शन यहाँ हो जाए, और ये घाट यहाँ पे 93 में बनाए थे तो पूरा देश का मीडिया आया था, सारे बड़े लोग देश के आए थे, सारे बिजनेसमैन थे। 93 में इंडियन एक्सप्रेस ने इसको बनाने के लिए मदद किया था। अच्छा। उन्होंने पैसा दिया था, पर नाना जी का ये स्वभाव था कि जो भी जितना पैसा देता था लगभग उतना पैसा वो और किसी से मांग के डालते थे। जैसे 25 लाख दिया था उन्होंने, फिर 15 लाख रुपया उन्होंने और इकट्ठा किया। पवित्रो वा श्रवावस्थान् स्रवाः सुस्तिनः ओघा